उत्तर प्रदेश में धरने ते बैठे गाजीपुर बॉर्डर ते किसानों का अज बीजेपी वर्करां दे नाल टकराव हो गया। किसान ते बीजेपी वर्कर आमो सामने हो गए। झड़प के दौरान कई लोगों नूं सट्टां लगियां, जख्मी होए, डांगां चलाईयां गईयां। राकेश टकैत ने बीजेपी वर्करां ते पत्थरबाजी करन दे इल्जाम भी लगाए। बीजेपी वर्करां ने खुद अपनी गड्डियां दे शीशे तोड़ के किसानों नूं बदनाम करन दी कोशिश की। यह कहना है राकेश टकैत का, जानबुझ के झगड़ा करन आए सन बीजेपी वर्कर। एक पासे मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े आगू मनोहर लाल खट्टर इस तरीके का बयान देते हैं, तो जाहिर है इन्होंने भी हौसले बढ़ जाते हैं। तुम देख सकते हो कि किवें टकरा दी स्थिति जी बन गई। गड्डिया के शीशे पन्ने गए, इल्जाम लगाया किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने कि साढ़े तो पहला पथराव किया गया। दूजे पासे किसान भी आमो सामने हो गए, डांगा चलिया, कई जख्मी। गाजीपुर बॉर्डर जिते किसान लगातार धरना दे रहे हैं, उतों दी तस्वीरां ने जिते किसान ते बीजेपी वर्कर आमो सामने होए। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले तीन दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी थी, उन्हें कहती कुछ नहीं। व्याज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहाँ तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। मारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े, तलवार भी कहीं से ले आए वे। मतलब अगर बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि वे तलवार भी घोस कर ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार किसी के हाथ से तलवार खुसती है? तलवार तो जो गाड़ी में छुपा कर जावे वही दिखाता है, लेकर भाग जा। ये पूरा तीन दिन से क्या कर रहे हुए यहाँ पे? पुलिस वाले तो और ही नहीं लग रहे थे, कहने कुछ नहीं कहा। पुलिस तो नहीं की है, पुलिस किसकी है? उन्हीं का तो साथ देती है पुलिस।